चश्मा उतार दूं मैं, सारे लाल लाल मुंह नजर आ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए इतनी गर्मी में आप आए, शुक्रिया जी, शुक्रिया, शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए, थैंक यू, थैंक यू, लव यू टू सचिन, मेरी किस्मत में लौंडे लपाड़े लिखे हैं, लव यू टू पाजी, शुक्रिया। बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोग हंस रहे हैं, इतना खर्चा करके आए फिर भी हंस रहे, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आदमी का अपनी शादी में थोड़ा ज्यादा खर्चा आ जाए ना, उसको अपनी सगी बीवी नहीं अच्छी लगती, शादी में 50 लाख लग गया, प्यार महंगा पड़ गया। ओ आ जाओ बहन जी, हेलो आइए, आ जाओ बैठ जाओ, आप पता इनको सब होता है इनकी सीट कहाँ है, जान बुझ के कपड़े दिखाने, तुम्हें सीट कहाँ है, आ जाओ आ जाओ बैठिए प्लीज। हाँ जी आप भी आए हो, आपको मना किया था फिर भी आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी लोग आ रहे हैं, मुझे तो किसी ने कहा था दुबई पर टाइम पे पड़े आते हैं लोग, आइए सर आइए आइए, जागरण भी आ रहे हैं, रूम लौटा भी आए, आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार का, आप इतने प्यार से सुन रहे हैं, इतना खूबसूरत तरीना, इतना खूबसूरत शहर है आपका, जो लोग टिकट लेके आए उनको मेरा बहुत बहुत हाथ जोड़ के प्रणाम, और जो लोग पास लेके आए उनको तो मैं पैरों से भी प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि टिकट वालों को पता होता है टिकट कहाँ पे मिलती है, ऑनलाइन जाके पे करो टिकट ले लो, पास वाले जुगाड़ बड़ा करते हैं, ये ऑर्गेनाइजर का ऐसा रिश्तेदार ढूंढते हैं जिसको मना ही ना कर पाए, वो जीजा ढूंढो इसका कहाँ रहता है। मेरे अपने ससुराल की तरफ से 15 पास लगे आज, बड़ी परेशानी होती जब से शादी की, मुझे बड़ी महंगी पड़ी शादी, दुबई का मजा ही अलग है, मैंने देखा दुनिया भर के लोग यहाँ पे आके बसना चाहते हैं, रशियन अमेरिकन ब्रिटिशर चाइनीज तो चलो होते ही हैं, वो तो हर कंट्री में मिलते हैं आपको, वो ना हो तो लगता ही नहीं आप फॉरेन कंट्री आए हो। पर मैंने देखा दुबई में कितने सालों से आ रहा हूँ, 15 साल से, लेकिन ये इंटरेस्ट होने हुए बिना रहता नहीं आदमी, जो भी करते हैं बड़ा करते हैं। हम लोग इंडिया में कबूतर पालते हैं, ये बाज पाल रहे हैं, हम लोग बिल्लियां पालते हैं, शेर पाल लेते हैं, ये हम लोग कभी कभी घर बनाते हैं ना तो थोड़ा सा फुटपाथ अंदर ले लेते हैं इंडिया में, ये पूरे का पूरा समंदर अंदर लेके बैठे हैं, सब कुछ बड़ा बड़ा करते हैं। हम लोग एक शादी करते हैं, इनके बड़े बड़े बिजनेस, जिस जैसा किसी जिसको ऊपर वाले ने जैसा, मतलब मजे करो अपना, दुबई वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद, यहाँ के एस्ट्रोनॉट सुल्तान अल नहयानी हाल ही में स्पेस जाके हैं, बहुत बड़ी बात है, यहाँ से स्पेस में जाना आसान भी है, आप बुर्ज खलीफा चढ़ जाओ आधा रास्ता तो आपका मैसेज कवर हो जाता है। पिछली बार मेरी मम्मी आई थी, मैं साथ में ले गया, कोई हमारे दोस्त थे ऊपर ले गए हमें ऊपर फ्लोर तक, मेरी माँ ऊपर तो नीचे देखा कहती हैं इतनी ऊपर आए, 2 मिनट थोड़ा ऊपर और ले लेती, भगवान से मिलके आते हैं। मैं कहा यहाँ हमारे वाले भगवान नहीं होते, भगवान हर जगह एक ही है, ऊपर वाला हर जगह, पूरी दुनिया वही चला रहा है। आपको पता है आप लोग यहाँ पे रहते हैं आपको नहीं पता चलता, बुर्ज खलीफा हर साल 2-3 फीट ऊंचा बढ़ जाता है, घर में आपके बच्चा होता है ना आपको नहीं पता चलता बड़ा हो रहा है, मेहमान आते वो बताते हैं बड़ा बड़ा हो गया, बुर्ज खलीफा सच्ची में बड़ा हो रहा है। ये तो और ऊपर बनाने वाले थे दुबई वाले, तो बुर्ज खलीफा वो तो ऊपर जो चोंच निकाली ना वो तो जब यमराज के लगी ना कहता हो नीचे करो मारना, इतना बड़ा बना लिया उन्होंने। मैं इतने सालों से आ रहा हूँ, हर बार कोई ना कोई नई बिल्डिंग, अभी मैं बुर्ज खलीफा के पीछे देखा एक और बिल्डिंग ऐसे करके करीम रोड जैसी बना रहे हैं, उसमें लाइट नहीं थी, मैं कहता ये नहीं लाइटें चला रहे हैं, कहते नहीं ये भी बनेगी, बन गई पूरी, थोड़ा सा काम बाकी है। हर बार दुनिया भर की जितनी भी जेसीबी मशीन है उसकी 25% मुझे लगता है सबसे ज्यादा एक्चुअली दुबई में है, और उसके बाद यूपी में। ये दिनेश रात को दारू पी के हिल्टन होटल से बाहर देख रहा था शीशे में से, कहता यार यहाँ पे डायनासोर अभी भी है, मैं कहा है, कहता वो तो बिल्डिंगें खा रहे, मैं कहा जेसीबी मशीन है ना पिया करो, इधर आके भी गर्मी में आके भी नहीं हटते, हर चीज बड़ा हैरान होते हैं मेरे लोग ना, अगर हैरान हो बताया मत करो, लोगों को पता चल जाता है पहली बार आए, कहता यहाँ पे तो पानी से सस्ता पेट्रोल, मैं तो सोच रहा हूँ पेट पे इंजन लगवा लूं, ये दिनेश कहता है, मैं कहा इंजन तो लग जाएगा, प्रॉब्लम तब आएगी जब सिलेंसर लगवाने जाएगा तू, तो मेरा दोस्त है दिनेश आप जानते हैं इसको। मैं एक चीज और मैंने देखी दुबई में, मेरे को जो चीज मेरे को अच्छी नहीं लगती, इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाए, कपड़े कोई नहीं सुखाता बिल्डिंगों के बाहर, लाइन में जो बाहर तार लगा के सुखाता, पता ही नहीं चलता लोग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं,
मैं जहां पे रहता हूँ मुंबई, आप पर्दा खोलो सामने कच्चे बनियान टंगे होते हैं, आपको पता चल जाता है आपको कितनी जनता रह रही है। छेद वाली बनियान में से झांके आप फैमिली मेंबर गिन लेते हो। इंडिया से हमारे बुजुर्ग लोग कभी आते ना अपने बच्चों के पास, उनका दिल नहीं लगता है, क्योंकि आस पड़ोस में कोई बातचीत करने वाला नहीं है, सब्जी का ठेला नहीं निकलता आदमी उससे मोल भाव कर ले, बात करें तो करें, मन किससे लगाएं, मक्खियां भी नहीं कि बंदा वही मार ले, गर्मी पड़ी है मक्खियां आएंगी कहां से। यहां से मैंने एक चीज देखी है, बरसों से लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं पड़ोस में, किसी को पता नहीं होता कौन क्या करता है क्या, ज्यादा नहीं मतलब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। हमारे इंडिया में तो आपको पता कल्चर कैसा, हमारे बुजुर्ग तो इतना जान पहचान लेते हैं ना पड़ोस वालियों को, और पीछे से देख के बताते हैं गर्दन के तिल वाली गविंदन की बीवी जा रही है, ये हमारा कल्चर है। एक तो सफाई इतनी है ना मुझे खींच आ जाती है। एक मैंने सुबह औरत देखी हिंडन के बाहर अपनी डॉगी को लेके जा रही थी, एक हाथ से उसे लीश पकड़ी और एक हाथ में पॉलिथीन पकड़ा हुआ। मैं फिर मुझे मैंने कहा ये भी पकड़ा, कहता वो अगर डॉगी पूप करेगा तो उसी समय ये साफ कर देगी। मैं कहा वेरी नाइस। हमारे वहां पे तो आदमी खुद पैंट उतार के बैठ जाए तो कुत्ते की ड्यूटी लगा, ध्यान रख कोई आएगा तो काट लेना इसको। गाइस वी आर जस्ट कमिंग फ्रॉम यूएसए, ये पूरा साल हम बाहर ही रहे हैं। ओ या सेम टू यू, मैं पता नहीं चला आपने क्या बोला। कुत्तों की बात हो रही तो मुझे याद आ गया अमेरिका में भी कुत्तों की बड़ी इज्जत है। दिनेश तो कह रहा मैं शिफ्ट उधर हो जाना, नहीं कहता है कुत्तों की इतनी इज्जत है तो आदमियों की कितनी करेंगे, हर जगह कुत्ते अलाउड। मैं सियाटल में गया, सियाटल वहां पे कुत्तों के लिए पार्क है। अब मैं मुंबई में रहता हूँ, हम इंसानों के लिए बड़ी मुश्किल से मिलते हैं पार्क, पर मैंने देखा हमारे कुत्ते फ्लेक्सिबल बड़े, इंडियन कुत्ते जो स्ट्रे डॉग्स है ना, वहां के कुत्ते अमेरिकन स्टिफ है। हमारे कुत्तों को पता है हमारे लिए पार्क तो बननी नहीं है, तो इंसानों के पार्क में घुस जाते हैं, फ्लेक्सिबल इतने ना यूं करके गुस्से में, नोरा फतेह से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमारे कुत्तों में। कुत्तों के सलून देखे मैंने, मैं हमेशा कभी फॉरेन कंट्री में जाते हैं छोटी छोटी चीजें नोटिस करता रहता हूँ, जो चीजें अच्छी लगती हैं उसको अपनानी चाहिए, जो अपनी अच्छी है उनको देख रहा हूँ। कुत्तों के लिए सलून, कुत्तों का फूड अलग। दिनेश कहता है मेरे को तो इतने साल तक पता ही नहीं चला कुत्तों के फूड अलग होता है। हेलो इसमें भी आवाज, इसमें ज्यादा अच्छी आ रही है इसमें, ये वर्ल्ड की नंबर वन सनाइजर कंपनी है, उन्होंने मेरे नाम का माइक मुझे ना बना के दिया, मुझे बड़ी खुशी होती है इन छोटी छोटी चीजों से। ये मैं इधर लगा देता हूँ, इसका क्लोजअप लेना जरा। थैंक यू ब्रो, थैंक्स। अंग्रेजों से कंपटीशन कर रहे हैं हम, आप चाहे मानो ना चाहे मानो। कुत्तों के लिए सलून अलग, ये दिनेश कहता मुझे पता नहीं था, कहता यार कुत्तों का खाना अलग होता है, ये खुद जो दाल खाता था अदरक वाली वही कुत्ते को खिलाता रहा, चार साल अदरक वाली दाल खाता कुत्ता अदरक जैसा टेढ़ा हो गया इसका। पर हमारे कुत्तों की इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है, हमारे जो गांव के कुत्ते होते ना, चार कुत्ते इकट्ठे हो जाए तो शेर को पीट देते, ये इतनी स्ट्रांग इम्यूनिटी हो गई है। पर मैं एक बात हंसी मजाक अपनी जगह एक बात आपको कहना चाहूंगा, दुबई की तरक्की में अगर मैं कहूं कि आप सब लोगों का बहुत बहुत बड़ा योगदान है, उसमें कोई गलत बात नहीं होगी, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है बहुत, दुबई आज वर्ल्ड में फेमस है, ये आप लोगों का प्यार है जो हमें हमेशा खींच के ले आया है। बाकी मैं प्रैक्टिकल बात बताऊं तो इस शो के पैसे हमने 2 साल पहले ले लिए थे, बीच में कोविड हो गया तो हुआ नहीं, ऊपर से जो हमारे ऑर्गेनाइजर है नवीन ऋषि, इनकी याददाश्त भी नहीं गई, हमें आना ही पड़ा फिर। याददाश्त बड़ी कुत्ती चीज है यार, मैं जैकेट पहन के तो आ गया, गर्मी बड़ी लग रही है, उतार देते हैं मेरी जैकेट उतारने पे, मल्लिका शरावत उतार दी तो समझ में भी आता मैंने। याददाश्त बड़ी कुत्ती चीज है, याददाश्त से मुझे चुटकुला याद आया, ये दिनेश है ना अपना दारू वारू का शौकीन है थोड़ा, इसके सपने में यमराज आए एक दिन, भगवान आया एक्चुअली, एक ही बात है, वो कहते तू बंदा बड़ा अच्छा है पर तूने जिंदगी में दारू बड़ी पी है, 70 साल का जब तू हो जाएगा तेरे साथ एक चीज होगी, या तो तेरे हाथ कांपेंगे या तेरी याददाश्त चली जाएगी, बता क्या करें। कहता जी हाथ कम कपा दो याददाश्त रहने दो। कहता क्यों? कहता अगर हाथ कांपेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक ड्रिंक नीचे गिर जाएगा, अगर मैं भूल ही गया बोतल कहां रखी है मेरा तो काम खराब है। पिछली बार ना हम जब यहां से पहले हम लोग कैनेडा गए थे, वहां पे क्या गवर्नमेंट ने किया, जब भी कोरोना हुआ ना, जब अपने लोगों को पैसे बांटने शुरू कर दिए, अंग्रेज लोग क्या आपको पता सेविंग तो करते नहीं है, सोमवार से शुक्रवार जितना कमाया शनि इतवार उड़ा देते हैं, पहली बार उनको बल्क में पैसे आए, जब कोरोना ठीक भी होगा वापस नहीं आए काम पे। हम टोरंटो एयरपोर्ट पे उतरे, ना कोई लगेज के चेक इन कराने वाला, ना बोर्डिंग कराने वाला, मुझे तो टेंशन में आया, मैं कहता कहीं जहाज भी ना खुद ही उड़ाना पड़े हमें।
सीरियसली किसी के सूटकेस नहीं आ रहे थे वहां पे। एक आदमी मिला मुझे, कहता मेरा सूटकेस नहीं आया। एक और आदमी मिला, कहता मेरा भी सूटकेस नहीं आया। एक तो सूटकेस मिला, कहता मेरा बंदा ही नहीं आया। एक गुजराती आदमी, मैं गुजरात वाले देखे, मैंने हर जगह काम चला लेते हैं। क्या बात है, शुक्रिया, धन्यवाद आपका, आप ही चल रहे हो आजकल। आपसे पहले हमारा एक बंदा बैठा था, गुजराती आदमी दो सूट केस लेके जा रहा था। मैंने कहा आपके कैसे आ गए, कहता मारू एक छूटू छू दूसरे ने दो लेने जाऊं छू मैं, किसी और के दो ले गया। यहां पे एक और अच्छी चीज है, आप लोगों के चेहरे देखो ना, दुबई मॉल चले जाओ, बुर्ज खलीफा के बाहर घूमो, सब इतने खूबसूरत बनके घूमने, अच्छे अच्छे परफ्यूम लगा के, आप शक्ल देख के नहीं पहचान सकते कौन सा दुबई से है, कौन शारजा से है, कौन कतर से है, है ना। सभी इतने खूबसूरत, सब परफ्यूम लगाए, सबके महंगे महंगे परफ्यूम। हमारे हमारे देश की खासियत है, आप खुशबू ही अलग है इन लोगों की। आप फ्लाइट में घुस जाओ ना, आपको खुशबू से पता चल जाता है कौन आदमी कहाँ। आप फ्लाइट में घुसो, कहीं से थेपलों की स्मेल आ रही है, समझ लो गुजराती लोग बैठे हैं। कहीं पे कोई रसम इडली की स्मेल आ रही है, समझो साउथ इंडियन बैठे हैं। और अगर जहाज टेक ऑफ ही हुआ है और अभी सीधा भी नहीं हुआ और एक आदमी टेढ़ा हो गया, समझ जाओ पंजाबी भी है। थैंक यू फॉर द एप्रिसिएशन। हमारे लोगों को ना खुशी बड़ी होती है इंटरनेशनल फ्लाइट में जाते हैं ना, ये घर से दो पैग लगा के आते हैं कि आज इंटरनेशनल जाना है, और अगर अकेले जा रहे हो तो और खुश होते हैं, बीवी भी नहीं साथ जा रही। दो पैग घर से लगा के आते हैं, दो लाउंज में जाके लगा लेते हैं, चार पैग के बाद ये फिर इनका अपने दिमाग अपना यूनिवर्स शुरू हो जाता है इनका। मैं तो कहता हूं अगर बोर्डिंग कार्ड दोबारा ना चेक हो जहाज में घुसने से पहले, ये पक्का किसी और एयरलाइंस में चढ़ जाए, क्योंकि चार पैग लगने के बाद आदमी एयरलाइंस देख के नहीं चढ़ता, वो एयर होस्टेस देख के चढ़ता है फ्रांस वाली। हम जब भी यूएस जाते हैं ना तो हमेशा दुबई दुबई से आते हैं, दुबई से एमिरेट्स की फ्लाइट में नॉर्मली जाते हैं। बड़ा अच्छा माहौल, बड़ा अच्छा होता है इनका, सेवा बड़ी करते हैं, ऐसा लगता है बुआ के गांव आ गए हैं। बड़े प्यार से बड़ी चीजें खिलाते पिलाते हैं। दुबई तक तो अपने लोग होते हैं, जब बॉम्बे से दुबई आओ, दुबई के बाद इंटरनेशनल जब सवारियां चढ़ती हैं उनकी भी अलग अलग खुशबू होती है। पिछली बार जब हम लोग जा रहे थे, डैलस की फ्लाइट थी हमारी यहाँ से, मेरे साथ एक दुबई के लोकल भाई साहब बैठ गए, इतना खतरनाक परफ्यूम लगाया मेरे नाक के बाल जल गए, पता है। मैं अपना निकाला ही नहीं, मैंने कहा इनका ही खत्म होगा अमेरिका तक। दिनेश की सीट आ गई एक गुजराती के साथ, अमेरिका उतरा, मैं कहा तेरा जेट लैग चला गया, कहता जेट लैग तो चला गया, मेरे थेपलों की स्मेल नहीं जा रही। मैं हमेशा कहता हूँ कि बाहर जाते हैं नई नई चीजें सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीख के आना चाहिए। जैसे मैंने कुछ चीजें सीखी, अमेरिका में जाओ आप, हर आदमी बराबर है वहां पर, हर आदमी की उतनी ही इज्जत है, कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, सबके कपड़े उतरवा लेते हैं एयरपोर्ट पे। पहले पहले आदमी सूट वूट में जा रहा होता है, उसके बाद जब स्क्रीनिंग होती ना, उसके बाद बेल्ट भी उतार लेते हैं, यहाँ पे डाल लेते, जूते हाथ में पकड़े हैं, ऐसे करके चल रहा होता है, वही आदमी लगता ही नहीं एयरपोर्ट पे, ऐसा लगता सस्ते होटल में पुलिस की रेड पड़ गई। भाई साहब कहाँ जा रहे, इसके आगे नहीं जगह, इधर ही, अच्छा आप अकेले आए, आपकी वाइफ है, अच्छा अच्छा कहाँ छोड़ के चले गए थे भाई, कोई और कुर्सी देखने गए थे, खाली होते तो बैठ जाओ, पति कोई कुर्सी ढूंढनी पड़ती, पति को तो कोई, पत्नी को तो कोई भी सीट दे देगा अपनी। सब मैंने बता रहा हूँ एयरपोर्ट पे सबके कपड़े उतरवा लेते हैं, ये हमारा आकाश तबले वाला, ये तो अंडरवेयर भी तब पहनता है जब यूएस जाता है, पता नहीं कब उतरवा ले ये लोग। जब हम लोग यूएस के लिए अप्लाई कर रहे थे तो मैंने इनको रट्टा लगवाया, ये दिनेश की ना, हिज इंग्लिश इज वेरी पुअर। आप सोचो जिसकी इंग्लिश मुझे खराब लग रही उसका कितना बेड़ा गर्क होगा। इसको मैंने रट्टा लगवाया, मैंने कहा अमेरिका घुमा के लाता हूँ तुम लोगों को, दो तीन सवाल तो कॉमन ही होते हैं, तुम लोग रट्टा मार लो, वो जाएंगे तुम्हें पूछेंगे कि है ना कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट, याद कर लो टूरिस्ट बोल रहा है, ठीक है। मैं अगर पूछेंगे फॉर हाउ लॉन्ग यू गोना स्टे हियर, बोलना 10 डेज, अंग्रेज आदमी उसके दिमाग में कुछ और आ गया। मैं कह रहा याद है ना क्वेश्चन, कहता हाँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट, टूरिस्ट, टूरिस्ट उसने याद किया, क्वेश्चन याद ही नहीं हुआ इसलिए लंबा था ना, फॉर हाउ लॉन्ग यू गोना स्टे, कहता जी 10 डेज। मैं वेरी गुड, उसने जाते ही क्वेश्चन ही बदल दिया, कहता हु इज योर फादर, कहता टूरिस्ट। ध्यान से देखा कि ये कैसी हरकत की इसने, कहता हाउ ओल्ड यू आर, कहते 10 डेज।
वो वीजा इसके मुंह पे देने वाला था, मैंने बचाया इसको। अच्छा ये तो आप लोगों का प्यार है, हमें बिजनेस क्लास टिकटें दे देते हैं, हम बैठ के आ जाते हैं, नहीं तो ना अमेरिका में जाओ ना 20 घंटे पहले पहले जब हम जाते थे इकोनॉमी क्लास में, वो कैसे एडजस्ट करता है इकोनॉमी क्लास में 20 घंटे आदमी, वो उसी का ही टैलेंट है बेचारे। आर्म रेस्ट पे आप हाथ रखने के लिए लड़ रहे होते हैं, पहले जर्मनी तक टूर अपने चल, फिर जीतता वो है जिसके चार पैर लग जाते हैं, वो फिर फैलता है। अच्छा फैल भी नहीं आप ज्यादा सकते, क्योंकि इस तरफ तो फैल नहीं सकते, दोनों तरफ आदमी बैठे, ये आगे की तरफ फैलते हैं थोड़ी सी रिक्लाइन करके ना, आगे की तरफ जो आगे बैठा उसके भी पैर लगे होते हैं, वो जब नीचे देखता ना तो पीछे वाले की टांगे आगे से निकल रही होती हैं, वो नशे में सोचता है टांगे मेरी दो हैं पैर मेरे चार कैसे हैं, कभी कभी पीछे वाले के फीते बांध देता है वो नशे में। एयरलाइंस वाले बड़े चलाक होते हैं, ये ना अखबार भी बिजनेस क्लास वालों को देते हैं, उनको पता है ऐसे करके यही पढ़ सकते हैं, इकोनॉमी वालों को मैगजीन देते हैं जो इतना ही खुलता है जहां तक उनकी बात, इतना सा मैगजीन होता है। ये जो फर्स्ट क्लास वाले होते हैं ये तो दिखते ही नहीं जहाज में, बड़े पता नहीं चढ़ते कब उतरते कब है, ये जो सबसे आगे बैठे होते हैं कब चढ़ते हो आप लोग, बिजनेस क्लास वाले आदमी का एटीट्यूड अलग होता है, 16 घंटे की फ्लाइट लेट के सफर करता है फिर भी उतर के ऐसे नखरे करेगा जैसे खुद चला के लाया भाग भाग के आया, वेरी लॉन्ग फ्लाइट स्टार्टिंग द फर्स्ट थिंग आई विल डू द मोमेंट आई विल लैंड आई विल हैव अ मसाज, वेरी टायरिंग, स्ट्रेचिंग करते रहेंगे। इकोनॉमी क्लास वाले मेरे जैसे उसका कोई नखर नहीं होता बेचारा, जैसे जहाज लैंड करता है एक हाथ से सूटकेस निकाल रहा होता है दूसरे हाथ से पैंट के अंदर चली गई ना उसकी, वो फीक रहा होता है, बड़ा बड़ी प्रॉब्लम होती है। भगवान ने ये बना दी, मतलब लोगों ने बनाई क्लास, फर्स्ट क्लास वाले का तो कॉन्फिडेंस ही अलग होता है, मैंने देखा कि पायलट को बुला लेते हैं, आई वांट टू टॉक टू द कैप्टन, नाउ कॉल द कैप्टन, कैप्टन भी जहाज चलता है वो छोड़ के आ जाता है, यस सर हाउ मे हेल्प यू, व्हाई इज दिस टर्बुलेंस हैपनिंग अगेन एंड अगेन, इट हैपेंड इन पेरिस आल्सो, दिस इज नॉट डन, नो आई विल सू द एयरलाइंस, पायलट को डांट देते हैं। हमारे जैसे इकोनॉमी क्लास में आते थे एयर होस्टेस आती ना, हाउ मे हेल्प यू, कहते नहीं यार आप बताओ हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। और एयर होस्टेस अगर ज्यादा खूबसूरत हो फिर तो मैं, क्योंकि हमें इतनी खूबसूरत लड़की से सेवा करानी हो ना इंडिया में, हमें तो आईएएस आईपीएस बनना पड़ता है, हम डर जाते हैं। लेकिन मैं सच्ची में कहूँ यहाँ पे आके ना इतना मजा आता, दुबई में जब भी आते बड़ा साफ शहर है, पता नहीं लगता कब आके सफाई कर जाते हैं लोग। मेरे रूम में एक लेडी आई सुबह, रूम वही शोर शराबा नहीं किया उसने, अपना वैक्यूम क्लीनर लेके एंजॉय डे निकल गई वो, हमारे औरतें पोछा लगाती हैं इंडिया में, पूरा घर सर पे उठा लेती है, मोहल्ले को पता चलता है पोछा लगा, अंदर ना आना मैंने पोछा लगा, मैं टांगे तोड़ देंगे, आदमी डरा डरा रहता है पता है, बीवी ने पोछा लगाया हो आदमी की हिम्मत नहीं होती अंदर चला जाए, या तो सूखने पे जाएगा, अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो ऐसे ऐसे करके जाता है जैसे डायनामाइट बिछाओ। एक अखबार में खबर आई थी, एक आदमी ने गीला गीला पोछा था, बीवी ने लगाया तो नंगे पैर लेके निकल गया, पैर छप गए, वो लोहे की बाल्टी रखी थी उसने सर पे मारी, पति उधर ही, पति का भी पोछा बन गया उधर ही, पुलिस पकड़ने आई, थानेदार बाहर खड़ा हो गया, उसके ऑफिसर का फोन आया, कहते लेडी को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे, कहते जी करते हैं, वो पोछा सूखने की वेट कर रहे हैं। कहते नहीं पोछा भी सूखा नहीं है, बाल्टी अभी भी आंटी के हाथ में है। ओए अर्चना पुरन सिंह आई है, शुक्रिया, हंसते रहो ठीक है शाबाश, भगवान आपके फेफड़े मजबूत रखे। विदेशों में हर चीज का फायदा है, जो चीजें अच्छी है देखो अच्छी है, मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, मुझे कई लोग बात करते हैं इंडिया की फालतू बात नहीं किया कर, तो मैं बस सुनने कौन सा ब्राजीलियन आए हैं, ये भी तो अपने ही लोग हैं, इनको पता ही है क्या माहौल है, हर चीज का फायदा, घर में जो काम करने वाली यहाँ पे मेड आती है कॉम्प्लीमेंट देना इसे, आप देखो लिफ्ट में जाओ, हेलो भाभी लिफ्ट में जाओ, आप कोई जानता हो नहीं जानता हो कॉम्प्लीमेंट जरूर देता है, गुड मॉर्निंग, हाय नाइस डे, धीरे धीरे लिफ्ट दोबारा बंद हो जाता है। हमारे यहाँ घर में जो काम करने वाली आती है कॉम्प्लीमेंट देते हैं उसको, hey Julie, you are looking pretty today, वो बोलती थैंक्स, इसके बाद काम शुरू करती है। इंडिया में आप काम वाली को कॉम्प्लीमेंट दे के देख लो, आपकी बीवी आपकी माँ बहन ना कर दे तो कसूर बीवियों का नहीं है, हमारे आदमियों की ना
इनके बोलने से पता चल जाता है इनकी हसरत क्या है उसके पीछे। गोरे तो बीवी के सामने कॉम्प्लीमेंट कर देते, उनको पता दिल में कुछ है नहीं। ये वेट करते पहले बीवी किचन में कब जाए, अंदर जाके जब वो मिक्सर चलाती है ना तब जाके कॉम्प्लीमेंट देते हैं। इला अच्छा, बीवियों को भी भगवान ने पता नहीं कौन से कान दिए, चाहे मिक्सर ग्राइंडर चल रहा हो पति की आवाज इनको साफ साफ सुनती है, अंदर से बाहर आ जाएगी बड़ी शीला तुम्हें अच्छी लग रही है, हैं? बच्चे भी शीला से पैदा कर लेते हैं। फिर आदमी घबरा जाता, नहीं नहीं मैं तो वो मैं बाहर गया था यूएसए, वहां से सीख के आया। यूएसए नहीं, तुम माँ के पेड़ से सीख के आए पंजरों का कांदा, जानती नहीं मैं तुम्हें, तुम्हारा अंबाला वाला ताऊ भी वो दो बच्चों की माँ निकाल के ले गया था। आदमी डरा डर रहता है, हमारे लड़ तो लेते हैं लेकिन ना प्यार बड़ा है। यहाँ पे मैंने देखा है दुबई में तो हर तरह के लोग रहते हैं, आपको पता ब्रिटिशर्स रहते हैं, अमेरिकन भी हैं, यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं, ये ज्यादा नहीं लड़ते आपस में। अगर किसी बात पे झगड़ा मन बटा हो भी जाए मैसेज कर देते एक दूसरे को कि यू हर्ट मी, आई विल सू यू, आई विल सी यू इन द कोर्ट। तीन मैसेज मैक्सिमम आते हैं हमारे। तो इंडियन मियां बीवी अगर झगड़ा कर लें तो ऐसा झगड़ा करते हैं कि लगता है कि सारी उम्र एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे। फिर शाम को माफी मांगते वक्त इतनी करीब से मुंह देख लेते हैं, घर में बच्चा आ जाता है। माफी मांगने गए ये काम कर डालते हैं। उसके बाद में वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना 10 साल बाद, लड़ना तो फिर होता है उनको, फिर बीवी के साथ झगड़ा कर रहा, बच्चा कह रहा पापा आप सॉरी बोलो। बाप कहता तू तो बकवास करी ना, पिछली बार भी सॉरी बोलने गया था तो तू हुआ था, अगर दाल मुझे बकवास की तो। हमारे यहाँ पे ना हस्बैंड वाइफ में झगड़ा ही मेन इसी बात का होता है, बीवियों को यही शिकायत है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते। होता ना ऐसा, आप सबके साथ भी होता होगा। जैसे मेरी शादी को भी 5 कितने साल हुए, 4-5 हुए, और मेरी बातें खत्म हो गई क्योंकि 15 साल से तो मुझे जानती थी, बातें तो पहले ही खत्म हो गई थी, ये तो हमने रिचार्ज कराया था शादी के बाद। ये आदमी लोगों का कसूर होता है पता है, ये पहले इतना टाइम दे देते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को, होने वाली बीवी को इतना टाइम दे देते हैं, सारी सारी रात फोन पे लगे रहते हैं। हाँ बीबी, मेरी बीबी ने खाना खाया, और अच्छा वाला मूछ वाला आदमी तोतला बन जाता है। खाना खाया नहीं, बीबी ने तो मूवी देख ली, कौन सी मूवी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अच्छा क्या होता है इसमें, खुद भी देख के बैठा हुआ पूरी स्टोरी सुन लेगा उसे। अच्छा फोन रखो, तुम रखो पहले, ऐसे कभी हुआ मैंने रखा हो, तुम रखो, नहीं बीबी तुम रखो, ऐसे कभी हुआ है। अच्छा सारी सारी रात लगे रहते हैं। आप कभी किसी आदमी को फोन पे बात करते हुए सुनना, आपको बातों से पता चल जाएगा ये आदमी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है कि गर्लफ्रेंड के फोन पे अलग चला जाता है, लंबी लंबी बात 25 मिनट बाद आएगा। बीवी का फोन आता 3 ही बातें होती, हाँ ऑफिस 8 बजे आलू गोभी, ये बात देखो सच्चाई निकलती तो तालियां आती है। अंग्रेज लोगों का झगड़ा क्यों नहीं होता आप सोचो, मियां बीवी में ज्यादा झगड़ा नहीं होता उनका, वो ज्यादा बात ही नहीं करते, शादी से पहले भी नहीं करते, शादी के बाद भी नहीं करते। अभी हम कनाडा गए तो ना बीच पे गए, गोरी अपना सनस्क्रीन लगा के सनबाथ ले रही है, 2-3 टेबल छोड़ के गोरा अपने लैपटॉप पता नहीं कौन सा काम कर रहा है, बीच बीच में एक दूसरे को स्माइल करते, फिर गोरे के दिमाग में पता नहीं क्या आता है, लैपटॉप बंद करके जाता है, ये लुकिंग प्रीटी बेबी, फिर वापस ये पता नहीं अलार्म लगा के किस करते हैं गोरे। ये जिस बीच पे मैंने ये हरकत देखी ना उसी बीच पे मैंने और चीज देखी, हमारा एक देसी इंडियन आया वहां पे कोट पैंट पहन के बीच पे घूम रहा था, उसी बीच पे चटाई बिछा के अपनी बीवी को बिठा दिया, बच्चों को 2 भट्टे ले दिए छल्ली, और जो गोरी किताब पढ़ रही थी जाके ये गोरी की किताब पढ़ रहा था। मतलब हमारे मर्द भी कम नहीं है, मैं बताऊं मैं सॉरी भाई साहब, ये अपनी बीवी के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहे होंगे ना फिर भी साइड वाले मिरर से बगल में जो स्कूटी पे लेडी जा रही है उसको घूर लेते हैं ये। हाँ देखा ये वही है, बीवियों का भी टैलेंट होता है, ये भी देख रही थी पीछे बैठी बैठी, ये कोई सड़क पे थोड़ी देख रही होती है, ये साइड मिरर पे देख पति का ध्यान की तरह, इतनी चलाक होती है बातों बातों में, औरत औरत को भी सुना देती है, पति को भी डांट देती है। पति जा रहा है मोटरसाइकिल पे, पीछे बीवी बैठी है, एक बच्चा आगे बैठाया पेट्रोल वाली टंकी पे, यहाँ पे तो लौट नहीं, एक बीच में बैठाया होता बच्चा, जो पेट्रोल वाली टंकी में बैठा होता ना बच्चा उसकी चड्डी इतना पेट्रोल सोख लेती है ना, माँ जब धोने के लिए रगड़ती आग पकड़ लेती हो। खैर बात ये नहीं थी, मुद्दा ये था कि आदमी जा रहा है साइड मिरर से दूसरी वाली औरत को देख लेता है, बीवी सुना देती है उसको ध्यान से चलाओ मोटरसाइकिल चलता, 3-3 बच्चों के बाप हो गए तुम। अगर 3 बच्चे कहाँ, 2 ही हैं,
एक जो तुम उसके साथ सोच रहे, मैंने वो भी गिन लिया। ये हमारे पर मैं हमेशा, मुझे लोग कहते तुम मियां बीवी पे हंसी मजाक जोक बड़ा करते हो, मैं कहता यार हमारा कल्चर ऐसा है, हम सारी उम्र हंसी मजाक लड़ाई झगड़ा हर घर में होते हैं, लेकिन जो समर्पण की भावना, प्यार की भावना जो हमारी इंडियन औरतों में अपने पतियों के लिए होती है, ये पूरे विश्व में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मैं मैं हमेशा एक चीज सुनाता था, बहुत बार सुनाई भी मैंने, लेकिन कुछ दोस्तों ने कहा कि अब इंडिया में एक त्यौहार होता है करवा चौथ का, जो पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है व्रत। सारा दिन औरत कुछ नहीं खाती है, चांद निकलने पे शाम को वो पानी का एक घूंट पीती है, फिर खाना खाती है ताकि पति की उम्र लंबी हो। ये कहीं आपको विदेश में नहीं देखने को मिलेगा। कभी आपने देखा पीटर की बीवी ने व्रत रखा हो? कभी नहीं होता। जॉन की वाइफ ने रखा हो? ना, कभी नहीं होता। ये इंडियन औरतें, लेकिन समय के साथ साथ क्या बदलाव आता है, छोटी सी ऑब्जर्वेशन है अगर आपको अच्छी लगे तो। पहला करवा चौथ जब होता है ना, बीवी ने हाथ में थाली पकड़ी हुई है, चांद निकलने का इंतजार हो रहा है, बीवी फुल सजी धजी है, पति पति भी वैसे व्रत रख लेता है। पत्नी कहती मेरा व्रत है, तुम तो खाना खाओ। अरे मेरा चांद भूखा मरा जाए, मैं कैसे खा लूं? पूरा ड्रामा होता है पहले साल, फिर दो तीन साल निकलते ना, एक आध छोटी मोटी प्रोडक्शन हो जाती है ऐसी। आदमी जा जाके चांद देख रहा होता है कि चांद निकले, मैं बीवी को खाना खिलाऊं। तीन चार साल बाद तो फिर आदमी मिलता ही नहीं है, बीवी ढूंढ रही होती पति को। मैंने कहा चांद का पता करो कभी निकलेगा, क्या देख के आओ। पति कहता हां मैं बता रहे थे निकलेगा, टीवी पे बता रहे 10 बजे निकले। फिर 8-10 साल और निकलते हैं, तलखी आ जाती जुबान में कभी कभी। औरत ने घर भी देखना है, बच्चे भी पालने हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, 100 टेंशन है, वो बेचारी की जुबान भी तलखी आ जाती है, चांद का तो पता करो कभी निकलेगा। आदमी भरा पड़ा होता है, चांद गया, चांद मेरे बाप के घर से निकलता है, कान से पकड़ के निकालू मैं चांद को, निकलना होगा निकल आएगा। बीवी और बढ़ती है, तेरा ही बेड़ा गर्क कर रही हूं, मुझे कोई शौक नहीं भूखी रहने का, अभी एक शोरमा खाया तो भस्म करके रख दूंगी मैं। फिर एक टाइम आता है 25-50 साल, मान लो मोटा मोटा पकड़ो 25 साल की उम्र में शादी हुई, 50 साल शादी को हो गए, 75 के पापा जी, 75 की माता जी, 150 साल का जोड़ा, औरतों को सल्यूट है, फिर भी व्रत रखती हैं। कमर थोड़ी सी झुक गई है, सुनना कम हो गया है, बुजुर्ग बाहर चारपाई डाल के बैठा है। आपको पता नॉर्थ में हमारे कैसा होता है, इंडिया में नौकरी है तो रिटायर हो गए, बिजनेस है तो बच्चों के हवाले कर दिया, बाहर बैठे रहते हैं चारपाई डाल के, अंदर से माता जी व्रत रखती हैं। फिर अंदर से पूछ रही थी बिट्टू के पापा बेचारे को, वैसे भी सुनाई दे रहा, आदमी के पहले कान चले जाते हैं, बाल कान इनके सबसे पहले जाते हैं, वो टाइम पास कैसे कर रहा होता चारपाई डाल के, कुत्ते निकल रहे हैं उनको पत्थर मार मार के टाइम पास कर रहा है, निशाना लग गया तो बुड्ढा खुश, नहीं लगा तो कुत्ता खुश, इनका चल रहा है। वो अंदर से पूछ रही होती क्या आंगी नहीं निकला, बाहर बुड्ढा बैठा है क्या आंगी नहीं निकला, वो सारी उम्र का भरा पड़ा करता है, ये तेरी माँ का सर है, उसका अपना चांद निकलाया। ये जो 2-3 चांद चमक रहे, मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया अब तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है, दुनिया में 2 तरह की औरतें भाई साहब जो आपके सर पे हाथ फेरती हैं, एक आपकी माँ, दूसरी आपकी बीवी। फर्क ये है कि माँ जब हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, हाँ यहां से हाथ करवाया करो। हमारे यहाँ पे बुजुर्ग हो गए फिर लड़ाई झगड़े, गोरे लोग नहीं होते फ्रस्ट्रेटेड। मैं वैंकूवर में घूम रहा था मेरी बीवी के साथ, 70-80 साल के बुजुर्ग होंगे, वो अपनी वाइफ को किस कर रहे थे वहां पे, मेरी बीवी कहती वो देखो 80 साल का होगा कम से कम, देखो अपनी वाइफ से कितना प्यार करता है। मैं कहा तुझे उसे 80 साल दिख गए, चौथी बीवी वो नहीं तुझे दिखी। अंग्रेजों में ना शादी का प्रोसीजर बड़ा ईजी मैंने देखा है, ये लोग ज्यादा तामझाम नहीं करते भी। लड़का जाता है अपनी गाड़ी में बैठ के, लड़की जाती है अपनी गाड़ी में बैठ के, काले काले कपड़े पहन के चर्च के बाहर खड़े होते हैं, चार रिश्तेदार रुके हैं, चार रुके हैं, सारे काले काले कपड़े में, लगी ना शादी होते ना, डर डील हो रही कोई। हमारे जाते पूरा खिलेरा डाल के घोड़ी में बैठ के, दूल्हा तलवार लेके, जीजा दारू पी के उधर फैला हुआ है, पीछे ट्रैफिक जाम है, वो भी नहीं कुछ कहते, दूल्हे कहते कोई नहीं कर रहा है ना भुगतेगा ये। उनके ना जीजा नाराज होते हैं, गोरों के ना फूफा नाराज होते हैं, वो बताते ही नहीं कि तुम जीजा हो, कहते यू आर माई सिस्टर्स हस्बैंड, नो जीजा। रस्में नहीं होती ज्यादा, हमारे यहाँ रस्में इतनी होती हैं, आप देख लो रोका रुकाई ये वो सनम पता नहीं क्या क्या हल्दी तक। कभी आपने किसी गोरे को देखा हल्दी लगा के, पीटर या जॉन को हल्दी लगा के बैठा हो? सिर्फ इंडियन दूल्हा देखोगे आप, शादी से एक दिन पहले कच्छा पहन के ना हल्दी लगा के यूं बैठा होता है, लगता ही नहीं दूल्हा, लगता बड़ा बकरा मैरिनेट करके रखा है।
बकरा ही होता है बेचारा, कटने वाला होता है वो। अब तो फिर भी माहौल ऐसा हो गया, पुराने जमाने में शादियां जब होती थी, मुझे याद है मेरे ममता पापा की जब शादी हुई, याद नहीं लोगों ने बताया, 7-7 दिन, 8-8 दिन, 10-10 दिन मेहमान आके घरों में पड़े रहते थे, दूल्हा भी खुश कि मेरी शादी में आए सारे, 6-7 दिन तो उसके निकल जाते थे, उसको गुस्सा तब आता था जिस दिन दुल्हन ब्याह के लाता था ना घर पे, उसके बाद भी रस्में नहीं खत्म हो रही, पहले माँ पानी पेरी, माँ को बेचारी फ्री हो चुकी है वो अपना कर रही है, दूल्हा आपको पता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको खाना वाना खाना होता है। अच्छा फिर बैठ जाते, फिर दूल्हे की बहनें आ जाएंगी, वो प्रात में दूध डाल के वो अंगूठी ढूंढो, दूल्हे का कोई इंटरेस्ट नहीं था अंगूठी दूध ढूंढने, कोई नहीं, 2-2:30 बजे जब सारे सोने चलते हैं ना, दूल्हे के मन में होता चलो फाइनली हम जा रहे हैं, फिर जो सबसे उसका प्यारा भांजा होता ना दूल्हे का, वो फिर अजीब सी जिद करता है, मैं मम्मी के साथ सोऊंगा। पहली बार उसको अपना भांजा जहर लगता है कि सारे 2.5 घंटे घोड़ी में बैठ के पीठ टेढ़ी की मैंने, मामी के साथ सोने का टाइम है ना तू। मैं कितने देर बार ऐसे लोगों को हंसते हुए देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बीच में 2-3 साल तो कोरोना ने खराब कर दिए, बड़ा मुश्किल टाइम था, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस रहा है, हमारे मुंबई में तो हर जगह ही वैसे लोग निक्कर बनियान में ही आ गए थे, क्योंकि सबको पता था धोने भी खुद ही पड़ेंगे, कि दिनेश ने तो जिस दिन मास्क लगाया उसने निक्कर भी उतार दी, कहता जब मुंह ही ढका हुआ है किसको क्या पता है किसका सामान है, कौन सा नंबर प्लेट लगी हुई है। लॉकडाउन में सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हुए हैं, मेरी खुशकिस्मती है जब पहला लॉकडाउन हुआ मेरे घर में बड़ी प्यारी बेटी ने जन्म लिया, पहली औलाद वो भी बेटी ने बोलते आपको पता है, वो बड़ा खूबसूरत पल था मेरे लिए। फिर दूसरा लॉकडाउन हुआ तो मेरे घर में बेटा हुआ, तो फिर मैं मेरी टीवी देख रहे थे मेरी बीवी, उसमें न्यूज आ रही थी तीसरा लॉकडाउन भी हो सकता है, तो मैंने बीवी की तरफ देखा, वो कहती मेरे मुंह का टेस्ट जा रहा है, मैं क्वारंटीन होने जा रही हूँ। अब मुझे समझ में आता है, देखो आदमी का क्या जाता है, बच्चे पालने पता कितने मुश्किल है, आप बाहर मुल्कों में रहते हो आपको पता कितने मुश्किल है, ज्वाइंट फैमिली में फिर भी बच्चे पल जाते थे, पुराने वक्त की बात कर रहा हूँ, जैसे हमारे 6-6 बच्चे तो नॉर्मल ही होते थे, टीवी आया नहीं था तब, नेटफ्लिक्स वगैरह था नहीं, बच्चे पालने बड़े मुश्किल है, बच्चा पैदा अब उस समय तो जॉइंट फैमिली में इसलिए ऐसी होता था कि बच्चा पैदा हुआ माँ के हाथ में, बाप के हाथ में, चाचा चाची बुआ बुई बुआ बुबी, जब तक बच्चा घूम के वापस आता था ना 6 महीने का हो चुका था, और जैसे बच्चे के घूमने का पहला राउंड खत्म हुआ माँ बाप का दूसरा राउंड शुरू हो जाता था, बच्चे कब पलते थे कब बड़े हो जाते थे पता नहीं चलता था, लेकिन जो आप बाहर मुल्कों में रहते हैं वहां पे ड्यूटी बांधनी पड़ती है, अगर बाप है वहां पे वो ड्यूटी देगा, माँ कहीं गई है माँ एक बाप चला जाएगा, मुश्किल होता है, पर लेकिन अच्छी बात यह है कि दुनिया बढ़ रही है आगे, कुदरत ने जो नियम बनाया है शादियां करो बच्चे पैदा करो दुनिया ऐसी चलती रहे, कई आपको पता है कई कंट्रीज में लोगों ने बच्चे पैदा करने बंद कर दिए हैं, जापान और आयरलैंड की मैंने खबर सुनी थी कि वहां पे ना लोगों को पैसा दिया जा रहा है कि आप पैसे लो पर बच्चा बच्चा पैदा करो पैसे लो बड़े जॉब। मैं सोचता हूँ शुक्र है ये ऑफर इंडिया में नहीं आ गई, हमारी तो गवर्नमेंट कर्जे में आ जाए, आलसी लोग अलार्म लगा लगा उठेंगे सुबह, देश को खतरा भी, चलो ये स्कीम वहां पे आए तो लोग तो घर की जरूरतों के लिए बच्चे पैदा कर लें, घर की छत बनवानी है बात सुनना जरा, फिर लोग बताएंगे भी ऐसे अगर ऐसा हो गया ना, ये मेरा पहला बेटा ये तो तब हुआ था जब हमने ऊपर कमरा डलवाना था, और ये दूसरा तब हुआ इसकी माँ कहती थी स्कूटर लेना स्कूटर लेना है, तो इसलिए इसका हमने नाम भी चेतक रखा है, ये हमारी बेटी है तीसरी और ये चौथा बेटा है, लोग कहेंगे जी जरूरतें आपने 4 ही बताई, बच्चे आपके 5 है भाई, अब हर बच्चा जरूरत के लिए थोड़ी होता है, बीवी से प्यार भी होता है। मैंने जो चीजें मैं बोलता ना कि हम लोग बाहर मुल्कों से सीखते हैं, ये मैंने एक चीज जो गोरे लोगों की बड़ी अच्छी, 15 साल का बच्चा होता है ना 14-15 साल का अपने से अलग कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट टाइम जॉब करने लगते हैं, अपना अपना खर्चा उठाते हैं, हमारे इंडिया में इतना लाड़ प्यार करते हैं अपने बच्चों को, 20 साल का मूछें निकल आती हैं फिर भी माँ बाप के बीच में घुस के सोता है, ये माँ बाप का टैलेंट है, उसके बावजूद भी दूसरा बच्चा प्लान कर लेते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, शादियां भी कभी कभी खुद ही कर लेते हैं गोरे लोग, अपने बाप को भी 2-2 महीने बाद बताते हैं क्योंकि वो अलग रह रहा है, वो अलग रह रहा है,
दो महीने बाद जाके गोरा अपने बाप से मिला, डैड यू मेट माय वाइफ जूलिया, हे जूलिया नाइस टू मीट यू, यू आर मैरिड, ओह कांग्रेचुलेशंस। वो थोड़ा ना गुस्सा करते हो, हमें नहीं बुलाया, हम नहीं देखेंगे सारी उम्र तुम्हारा मुंह, तुम हमारे लिए मर गए, हम तुम्हारे लिए मर गए, वो नहीं करते ये सर। बाप नहीं गुस्सा करता क्योंकि उसने खुद अपने बाप के साथ ऐसा किया था। फ्रेंड बन जाते हैं, जूलिया वेलकम टू अवर फैमिली, अलग ही अलग रहता है। वेल वेयर आर यू फ्रॉम? टेक्सास। टेक्सास वेयर इन टेक्सास? Gilbari Road. Oh, oh, I know. Your mother was my girlfriend. Yeah. अंग्रेज लोग हैं। हमारे कल्चर ही ऐसा है। हमारे आज भी गांव लव मैरिज की रेशो बड़ी कम है। आज भी माँ बाप लड़का लड़की एक दूसरे के लिए ढूंढते हैं। शादी तो दूर की बात है, हनीमून तक करने वाले प्लान करते हैं। आप छोटे शहरों में भी चले जाओ, आपको पता है हमारे तो हनीमून के भी दो तीन ही ऑप्शन है। अच्छे खासे पैसे हैं स्विट्जरलैंड चले जाओ, थोड़े कम पैसे हैं शिमला चले जाओ, और बजट कम है तो फिर बरसात में बिजली जाने का वेट करो आप। दो भाइयों की अगर शादी हुई है, एक भाई अगर स्विट्जरलैंड चला जाए, दूसरा शिमला चले जाए, और शिमला जाने वाले का बच्चा पहले हो जाए तो बाप स्विट्जरलैंड वाले की ऐसी भी तैसी कर देता है कि खोते थे पुत्र जब यहाँ पर रिजल्ट अच्छा आ रहा था तो तुझे क्या जरूरत थी पैसे को आग लगाने की। सीरियसली हमारे आज बड़े बुजुर्ग ही फैसला लेते हैं। घर में कोई बुजुर्ग हो ना तो सबसे पहले उसको पूछते हैं ताकि वो लेफ्ट आउट ना फील करे। बच्चों ने हनीमून पे जाना तब भी घर में दादी मम्मा उसको पूछते हैं, दादी माँ बच्चों ने हनीमून पे जाना कहाँ भेजे? हम दादी को क्या पता हनीमून का कॉन्सेप्ट तो अभी आया। दादी कहा क्या? पता हनीमून देहरादून पता हनीमून, हनीमून पे जाना है बच्चों को, शादी के बाद बाहर भेजते हैं ना, बाहर नहीं जाते, बाहर जाते कह रहे दादा तो मुझे अंदर ले गए। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब मियां बीवी साथ में बैठ के हंसते हैं ना, बड़ी खुशी वाली बात है। मेरी बीवी आई थी मेरे शो देखने लंदन, एक भी बात भी नहीं हंसी। यहां नहीं आई। बीवियों को खुश रखना भी एक कला है जो पूरी दुनिया में किसी को नहीं आती। एक एक जगह पे एक मॉल खुला था, वैसे तो ये चुटकुला है व्हाट्सएप पे आया था, मैं आपको झूठ नहीं बोला चाहता, अभी तुम उसे गाड़ी चला के आया, मैं सच बताता हूँ व्हाट्सएप पे आया था मेरे को, पर है बड़ा मजेदार। एक मॉल खुला है, वहां पे लिखा था यहाँ पे अच्छी किस्म के पति मिलते हैं। औरत अंदर चली गई, वहां पे लिखा था यहाँ पे सरकारी नौकरी वाला अच्छा पति मिलेगा, तो साथ ही में ये भी लिखा था कि ऊपर वाले फ्लोर पे इससे भी बेस्ट है। वहां पे लिखा था अच्छी नौकरी करने वाला घर का काम करने वाला पति मिलेगा। वो एक फ्लोर और ऊपर चली गई, वहां पे लिखा था यहाँ पे अच्छा पति संस्कारी बीवी के पैर दबाने वाला घर का काम करने वाला ये वाला पति मिलेगा। वो एक फ्लोर और ऊपर चली गई, वहां पे लिखा था यहाँ पे भगवान स्वरूप पति मिलेगा। वो उसके भी ऊपर वाले फ्लोर पे चली गई, वहां भगवान बैठे हुए थे। कहते बता तुझे कैसे खुश करूं। लेडी कहती नहीं भगवान जी मैं तो वैसे आई थी, मैं मॉल है देख ही लेते हैं। आपकी वाइफ भी नजर आ रही, कहता वो इसके भी ऊपर वाले फ्लोर पे गई है। शुक्रिया। जो कायदे जो यहाँ मैंने जैसे मैं बात कर रहा था ना बाहर के मुल्कों में जो अच्छी चीजें हैं, ये बड़ी मजेदार है। यहाँ पर मुझे ट्रैफिक सिस्टम ट्रैफिक होता है यहाँ पे, लेकिन एक के पीछे एक गाड़ियां चलती है सलीके से पूरी अपनी अपनी लेन में सिस्टम। कनाडा अमेरिका में मैंने देखा, यूके में भी देखा, एक सिस्टम है आगे आपकी गाड़ी चल रही है आप पीछे जा रहे हो, आपको आगे वाली गाड़ी का टायर नजर आना चाहिए, इतना डिस्टेंस रखते हैं। हमारे मुंबई में आके आप देखो टायर छोड़ो कभी कभी गाड़ी नहीं दिखती आगे वाली, आप गाड़ी चला रहे हो बड़ी वाली नीचे से आवाज आती, पाजी आपकी फॉर्च्यूनर के नीचे मेरी मलूटी आ गई। बंदा कहता है मैं अमेरिका गया वहां पे ना एक गाड़ी एकदम से घर की आवाज है, मैंने क्या क्या हुआ, कहता कुछ नहीं पाजी मैं थोड़ा सा इधर इस तरफ हो गया था तो सड़क के साइड पे ना दोनों साइड पे कुछ बनाया होता है ताकि अगर आपकी झपकी लगे तो वो घर की आवाज आती है ताकि आप उठ जाओ आपकी नींद खुल जाए आपकी। इंडिया में अगर आपकी झपकी लग जाए गाड़ी चलाते चलाते और उसके बाद जब आपकी आंख खुलती है सीधा आपको यमराज के दर्शन होते हैं। सामने बता आओ भाई आ गए तुम, मुझे पता था तुम मुझसे मिलने आओगे, तुमने जब गाड़ी रस्ते में रोक के पेट्रोल पंप पे पानी में वोडका मिलाई थी मैं तभी समझ गया था कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। जो अच्छी चीजें अच्छी चीजें यहाँ पे रास्तों में लिखा होता ना स्पीड 80-90 लोग उसी को फॉलो करते हैं, सेम रूल हमारे वहां पे भी है 80-90 लेकिन लिखा होता है बस तो लिखा है बस उसमें क्या है दीवार थी वो लिख गए। ये स्पीड वीड को नहीं मानते, ये देखते पुलिस वाला तो नहीं खड़ा,
अगर नहीं खड़ा होता दबाव क्लिक कौन देख रहा है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट क्रिएटिव तरीके निकालती है इनको डराने के, इनकी साइकोलॉजी पे असर करती है वो। हमारी गवर्नमेंट स्लोगन ही ऐसे ऐसे लिखे होते हैं, आप चले जाओ कहीं इंडिया घूमने जाते होंगे, स्लोगन कैसे कैसे लिखे होते हैं कि धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, ज्यादा तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। इसलिए इनकी साइकोलॉजी पे असर करती है गवर्नमेंट। यहां मैंने कहा गाड़ी टकरा जाए आपस में, कोई झगड़ा नहीं होता क्योंकि कैमरा लगे हर तरफ, जिसकी गाड़ी ठोकी है उसको मुआवजा मिल जाएगा, जिसने ठोकी है उसको फाइन लग जाएगा। हमारे यहाँ पर टाइम बड़ा लोगों के पास, गाड़ी टकराई भी नहीं है, टकराते टकराते बच गई है, दोनों ही ब्रेक मार लेंगे, बाहर भी नहीं आएंगे क्योंकि जगह ही नहीं, इधर तो और गाड़ी है, दरवाजा खुल ही नहीं सकता, घर जाके खुलेगा, अंदर ही बैठे बैठे लड़ रहे हैं, दोनों के शीशे बंद है, आवाज भी नहीं आ रही। कभी कभी एक आदमी एक्साइटेड होकर ना आधा शीशा खोल लेता है, आधी गाली को दे चुका होता है, बाकी की थोड़ी सी सुनती है, जब खिड़की खोलता ठीक है। देखो अच्छी चीजें दूसरी कंट्री से सीखनी चाहिए, जो चीजें अच्छी हैं अच्छी हैं, जैसे आई लव यू, मैंने पहले कहा था मेरी किस्मत में आदमी लिखे हैं, हैं? ये क्या पी रहे हो आप, यहां पे लाउड है, है कि लस्सी पी के दिमाग खराब हुआ बड़ा आपका, पियो पियो एंजॉय करो अकेले अकेले। नहीं मैं नहीं, मेरा पे मैं पीता हूं फिर खबरों में आ जाती मेरी बात। पिछली बार ना हम टोरंटो, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया, आप जीती रहो खुश रहो। पिछली बार हम टोरंटो गए ना, एक नई चीज पता चली हमें, ये बीमार हो गया हमारा तबले पे ना लड़का, ये जो मुझे इसने बाजीराव जैसी रखी है, बीमार बड़ी जल्दी होता है। वहां पे हम हॉस्पिटल में लेकर पहली बार हमने देखा, पिछली से पिछली बार जब गए, रोबोट रखे हुए उन्होंने, रोबोट आता दवाई लेके, इससे मेडिसिन टाइम, दवाई देके चला जाता, हम बड़े खुश। तो अगली बार जब गए ना हम, इस बार कनाडा गए तो इस बार फिर हॉस्पिटल जाना पड़ गया, किसी कोई तो इतनी टीम है कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है। इस बार हम गए तो रोबोट थे नहीं वहां पे, हमने कहा रोबोट कहां गए, वो डॉक्टर कहता यार वो रोबोट बंद कर दिए गवर्नमेंट ने, मैं क्यों बताओ छोड़ो बड़ा, मैं नहीं हुआ क्या, कहता पिछली बार एक रोबोट ना अपना काम कर रहा था तो डॉक्टर किसी मरीज के रूम में गया, वहां पर पंजाबी बड़े तो पापा जी कुर्ता ऊपर करके रोबोट सर्किट खुजवा रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि ये इज नॉट फॉर योर इचिंग, कहता जा काम कर, रात मैंने पैसे दिए पौवा लेके आया वो, ये तो मुंडा ही बड़ा चंगा है, मैंने भी अगली बार लोहे के बच्चे पैदा कर देंगे। दुबई के हॉस्पिटल भी देखो आप, ये फाइव स्टार होटल से कम नहीं है लेकिन महंगे बड़े हैं। यहाँ पे आदमी बीमार होता है ना स्पेशली गुजराती भाई, वो तो इंडिया में अपने दोस्त को फोन करके दवाई ले लेते हैं। हाँ परेश भाई जिग्नेश बोलू छू, हाँ मैंने लूज मोशन हो गया, नहीं नहीं हुआ तो बुखार छू, हॉस्पिटल में बिल देख के लूज हो गया मामला मेरा। एक तो यहाँ पे तो पेशेंट खुद ही बड़े पढ़े लिखे हैं सारे, तो इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करते हो आप लोग, वैसे ही पढ़े लिखे हैं, खुद ही जाके डॉक्टर को बता देते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर लास्ट नाइट आई वाज फीलिंग शिवरी, यू नो आई हैड अ थ्रोट इन्फेक्शन, सो आई हैड इट फ्रॉम माय सीट एंड नाउ बट स्टिल फीलिंग। डॉक्टर समझ आता है थ्रोट इन्फेक्शन, दवाई देता है, दो मिनट में पेशेंट बाहर। हमारे गाँव में पंजाब में चले जाओ आप, बुजुर्ग आते हैं ना दवाई लेने, डॉक्टर का दिमाग खराब कर देते हैं, डॉक्टर साहब डॉक्टर घबरा जाता क्या हुआ है, हाय मेरी मेरे कानों में झाऊ झाऊ हो रहा है। जो नया नया डॉक्टर बना वो चाहता किताब खोलता है अपनी कि 5 साल की MBBS में साला कौन से साल में पढ़ाया था कि झाऊ झाऊ की इलाज, तो किसी दुनिया की किताब में नहीं झाऊ झाऊ। कहीं तो बुजुर्ग ना बताते नहीं कि हुआ क्या, कहानियां सुनाने लगते हैं, डॉक्टर साहब रात मेरे सपने में यमराज आया था। अब गांव के डॉक्टर भी समझ गए इन चीजों, वो भी खेलने लगते हैं, कहते अच्छा आपके सपने में आया था, मेरे भी सपने में आया था, कहता था पापा जी को दवाई नहीं देनी, ये मेरा क्लाइंट है। एक तो मैंने खुद देखा, मेरे सामने की बात है, मैं खड़ा था और वो दवाई लेने आया, कहते डॉक्टर साहब मैं रात को सो रहा था
मैंने आँख खोली, मेरे पेट पे बिल्ली बैठी हुई। मैं भी सुन रहा हूँ, मैं तो बिल्ली बैठी हुई आ गई होगी कहीं। कहता रोज आती है बिल्ली? कहता हाँ। कहता उसको एंजाइटी की प्रॉब्लम थी? कहता आपको एंजाइटी है, आप रोटी बंद कर दो रात की, आप रात को ना एक गिलास ठंडा दूध पिया करो। कहता एक गिलास से क्या होगा, वो तो बिल्ली पी जाएगी। मान ही मेरा आगे से। पर जो मैं बात कर रहा था, क्या आपका है या हमें किसी का लेके जा रहे हो? बेटा जाओ जाओ पापा के पास। हाँ हाँ संभालो संभालो, आपका भी उतना ही कसूर है। तुम जो डिपेंडेंट लोग मैंने देखा यहाँ पे ना, पहले पहले नया नया अलेक्सा आया मैंने देखा, ये ना दिनेश इतना बड़ा हो गया, अभी भी अपनी मम्मी को बोल देता है मुझे सुबह उठा देना शो पे जाना है। तो जब अलेक्सा आया ना नया नया, अमेरिका से खरीद के लाया, इंडिया में कभी आया नहीं था, यहाँ पे अलार्म लगा के सो जाते ना, अलेक्सा आपको उठा भी देता, ये भी ले गया। इसने अलार्म लगाया 8 बजे का, अलेक्सा से आवाज आ रही, उठ जा तेरा बेड़ा गर्क, खोते से पुत्र ये वो। इसने आंखें खोली, देखा क्या है? देखा तो अलेक्सा नहीं था, उसकी बीवी खड़ी। कहता मैंने तो अलेक्सा को बोला था अलार्म लगाने का, कहती अलेक्सा ही तुझे उठा रही थी, 8 से 8:30 उसने उठाया, फिर वो मेरे पास आ गई। कहती भाभी जी जब इसने शराब पी होती मेरी ड्यूटी ना लगाया करो। कहती शराब पी के गंदी गंदी बातें करता मेरे को, कहता अलेक्सा अपनी फोटो भेज। ना कि अगर दिनेश ऐसे काम, पर मैं एक बात कहूंगा, हम जितना मर्जी कहे गोरे लोगों ने ये तरक्की कर ली, वो कुछ चीजें इनको भी हमसे सीखनी चाहिए। मैं कल होटल में हिल्टन में हम लोग ठहरे हुए, एक गोरा मैंने आम खाते हुए देखा, सारा आम उसने वेस्ट कर दिया, छुरी और कांटे से, फोक एंड नाइफ, मैन व्हाट आर यू डूइंग। उस आम एक तरफ वाला भी आम निकल गया, गुठली में तो आपको पता मेन होता है, 80% आम उसने डस्टबिन में फेंक दिया। हालांकि मेरा पैसा भी लगा था, मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं इनको आम ही नहीं खाना आता। आम खाना आप इंडिया में आओ, उसका कोर्स होता है बकायदा। इंडियन आदमी आम खाएगा अगर वो घर में आया, बीवी ने पता कि आज आम आए हैं, तो पहले तो अपनी जैकेट उतारेगा, वो पैंट उतार के लुंगी पहन जाएगा, बनियान में आ जाएगा, पलाथी मार के जमीन पे बैठेगा, सामने परात रखेगा वो, फिर वो आम को पकड़ता है, पहले उसकी मसाज करता है, वो आम को नरम करता है पहले, आम भी मजे लेता है कि सारी उम्र मुझे लोगों ने चूसा ही है, मसाज आज पहली बार हो, आम मजे ले रहा है। उसके बाद में ऐसी उसकी जो क्राउन होता है उसको ऐसी चूसा मारते हैं ना उसका, इतनी जोर से चूसा मारते गुटली जान बचा के दूसरे रास्ते से बाहर निकलती है। अंग्रेज आम खा के फेंकेगा ना वहां पे दोबारा पेड़ आ जाएगा, इंडियन आदमी आम खा के फेंकेगा पेड़ में नोटिस आता है कि ये खाया किसने, है क्या ये। आप लोग हंस रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी आज बहुत बड़ी देर तक चलने वाला है मामला, जब तक आप लोगों का मन रहेगा, मैं अपने दोस्तों से, मेरे म्यूजिशियन दोस्त कईयों को आप जानते हो, मैं बिल्कुल सर सॉन्ग और इनके मैंने हमें थोड़ी टिकट पैसे खर्च किए और सॉन्ग भी आएंगे। मैं वैसे बताना चाहता हूँ, हमारे साथी जो हैं शो में तो होते ही हैं, ये बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, ये बहुत कमाल कमाल के सिंगर्स के साथ बड़े बड़ी बड़ी फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक में ये लोग काम करते हैं, मेरे साथ प्यार मोहब्बत है इसलिए आ जाते हैं। कईयों को तो आप जैसे राज जी हैं हमारे सैक्सोफोन पे, राज जी कैन यू प्लीज कम फॉरवर्ड, इनको आप 40 साल से जानते हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे। आपने बच्चन साहब की फिल्म देखी होगी डॉन, उस पे वो गाना आता ना, अरे दीवानो, मुझे पहचानो कहां से आया, मैं हूं डॉन, अरे दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया, अच्छा ये आएंगे, पर इनकी एक शर्त है, उसमें कोरस आता ना डाउन 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 डाउन, 5 बार आता है, अगर आप लोग कोरस को करेंगे आप लोग, तो फिर राज जी का जलवा देखने को मिलेगा। ओके लेट्स स्टार्ट, कौन है, अरे दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया, मैं हूं डॉन, अरे दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं
शादी के लिए,